हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सो के आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में। क्या चल रहा है? कपड़ों की धुलाई चल रही, मशीन चल रही और तो कुछ नहीं चल रहा। कितने हैं आज कपड़े? दो दिन के कपड़े हैं। मशीन में पड़े कुछ ही है, पड़ेगा कुछ भी रखे साइकिल पर। और भी हैं घर के? कुछ काम तो नहीं बट गए? क्या नहीं बट गया? झाड़ू पोछा नहीं मट गया? सुबह नाश्ता तो हो ही गया था बच्चे स्कूल में। और देखिए बच्चे जा रहे स्कूल में, जी भी नहीं लगता यहाँ से। और उसके बिना तो लगता ही नहीं, कम से कम मनोरंजन तो करता रहता। पता नहीं कौन कौन से शब्द लाए अपनी डिक्शनरी में से निकाल के, ऐसे ऐसे शब्द बोले कि उसकी बात सुन के हंसी आ जाए। जी नहीं लग रहा वैसे यार उसके बिना। यहाँ आ जाएगा, 2-3 दिन में आ जाएगा। और क्या चल रहा? कपड़े धो रहे, बाकी काम नहीं मट गया, बच्चे स्कूल में जा लिए और कुछ नहीं। क्या है यहाँ, मैं और प्रीति हैं और माँ जी हैं। इसमें क्या तैयारी है आज? घिया कस दो मका इतना। घिया कस दो, राता बनेगा आज? राता बनेगा। दही में? दही में या छा में? दही जमा रखी दही में बनेगा राता। 1, 2, 3 प्राणी तो ये हैं हम यहाँ से, प्रीति माँ और मैं। दो प्राणी हो रहे हैं सो रहे, चाचा जी हैं और वन बंदे भी सो रहे चाचा जी के पास। 5 प्राणी हैं जिन्हें मतलब 3 जाग रहे, 2 सो रहे। और स्कूल में कहाँ जा रहे हैं? चिंकी, गुड्डू, आरुषी और पिताजी, 4 प्राणी स्कूल में जा रहे हैं। सुनील भाई साहब कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, वो जने तो जा ही रहे। आरुष और आरुष की मम्मी क्या बना? पिट्ठा छिल रही हूँ जी। कहते हमारा पिट्ठा तो नहीं छिला करते दिखे। घी आया है? अच्छा ये घी आया है, गोल वाला घी आया है, लौकी गोल वाला लौकी है ये। छील के कस के और रायता बनेगा आज दही का। दही जमा रखी, सुबह जमाई थी, देखो जमगी क्या दही। वहाँ तो हम बाजार में तला गए, बढ़िया भी नहीं लगती ना, टेस्ट आता। यहाँ जमाई थी है, बढ़िया हो रही, गाढ़ी है बिल्कुल, मौज आ रही दही में। तो एक जग दूध की दही जमाई थी और इतनी बहुत है रायता बनाने के लिए। जब तक खाना वाना बन जाएगा, बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल में। तो और इधर अनाज सूख रहा, कल माता जी ने अनाज भी दिया था, लाइट रही तो पिताजी आके अनाज पीस रहे हैं मछली चक्की से, छोटे वाली से। और मेरा तो घास अधूरा पड़ा, वो लाइट भाग गई थी बीच में, घास छोड़ दिया, मशीन बंद होगी। अब आई दोबारा से लाइट, पहले घास काट दूँ तब देखेंगे कुछ और काम। राता यम्मी यम्मी स्वादिष्ट टेस्टी रायता का की रेसिपी आपको थोड़ी देर में शेयर करेंगे, पहले मैं घास काट आऊँ। ये पड़ा अधूरा घास कटता हुआ, देखो थोड़ा सा कट गया था यो इतना सा, फिर लाइट चली गई ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। अब बाकी का यू कटेगा। और पशु तो हमारे दो तो बैठे हुए हैं, पंखा चल रहा, अभी आई लाइट, हवा का आनंद ले रहे। एक गाय खड़ी हुई है जो चारा सुबह डल रहा था, बिल्कुल सफा चट है, वो खा लिया सारा, अब बिल्कुल ताज़ा कटेगा। अब जब डल लूँगा मैंने चारा तब खाऊँगे। शर्ट चेंज कर ली मैंने, पहले टी शर्ट पहन रखी थी क्योंकि पूरी आस्तीन की पहननी पड़े जब चारा काटते हैं, तो इसका पत्ता है या घास का पत्ता है हाथों में अगर लग जा तो एलर्जी सी हो जा, जलन कर दे। इसलिए पूरी आस्तीन की शर्ट पहन के तब घास काटा जा रहा है। भाई कैसी चले? ये स्टार्टर ऊपर को कर दिया, मोटर पर लाइट आएगी, थोड़ा देखा हाथ मारते बस जल्दी मशीन और चारे की मोटर है। यो काट दिया चारा, कुट्टी कर रहे हमारे यहाँ, कुट्टी काट दी, साबुत चारा था वो, और जो कटने के बाद हो जा रहा है कुट्टी कर रहे हैं, काट दी कुट्टी। और अभी पशु को चारा डालने में थोड़ा वक्त है, थोड़ी देर में लग लेंगे। ये तो वैसे तैयार हो गए दोनों, तो तुम्हें लग रहा है कट गया तो ताज़ा ताज़ा मिल जाए, लेकिन अभी खिलाया था सुबह का चारा, तो थोड़ी देर में डल लेंगे चारा। बाकी यो बच रहा कुछ रेड़े में और कुछ हुआ है, इसे यहाँ लगा दूँगा, यहाँ झाड़ू कर दूँगा इधर। और यह खड़ी है गठड़ी चेरी की, यह शाम को कटेगी, इस वाले चारे के साथ मिला के कल सुबह का हो जाएगा। ये दोनों टाइम का हमारा एक ही बार आ जाएगा चारा खेत में से, सुबह सुबह दोपहर होने से पहले ही, फिर दो बार खेत में या पूरा दिन खेत में नहीं जाना पड़ता। पड़
कैसा तिनके इकट्ठे करके सब एक तरफ कर दिए, चबूतरा भी साफ हो गया अपना। ये धो जाएंगे, मुझे बता दियो, थोड़ी मदद कर दूंगा, हलवा दूंगा मैं भी, इधर बाल्टी में रखा उधर ले जाऊंगा। हाँ जी, कपड़े जब धो जाएंगे बता दियो, थोड़ी मदद कर दूंगा कपड़े फलवाने में, मदद करने में माहिर हूँ मैं, कहना। और उसका माँ जी ने कस दिया कद्दू, बस वो रख दिया कुछ तो उसमें कुकर में, कुछ और कसने लग रही, फिर से उबाल देंगे। लाइट तो आई हुई है, देखूँ पानी वानी की क्या स्थिति है। पानी तो बाल्टियों में ख़त्म है, ड्राम भी खाली है, तो पानी ही भर दूँ तब तक मैं। पहले ये ड्राम भर दूंगा, फिर ये बाल्टियाँ भर दूंगा मैं। ड्राम भर गया, जब मैं बाल्टी भर गई, फिर थोड़ा सा पानी अब ऊपर कर दूंगा। ये चेंजर है, यहाँ से चेंजर मार दें तो पानी ऊपर टैंक में भी भरना शुरू हो जाओ, रखा सबसे ऊपर टैंक वहाँ। तो प्रीति ने इधर कपड़े भी फैला दिए, मैंने कहा था लाओ कुछ मैं मदद कर दूं, बोली नहीं ऊपर छत पे ले जाने होते तो कुछ मदद करा लेते, यहीं से उठाने मशीन के पास से और यहाँ फैलाने, तो नज़दीक ही है, जल्दी जल्दी निपट गया काम। लौकी उबलना रख दिया चूल्हे पे, कुकर में रख के गैस चला दी, लौकी उबल जावे फिर रायते में तड़का लगेगा बढ़िया। लौकी उबाल दिया और उबाल के निचोड़ भी दिया, बस अब तड़का लगाना है इसमें। दही निकाल ली इसमें, दही निकाल ली, छोंक लगाने के लिए तैयारी चल रही है। आज तो नाश्ता भी अलग ही कर रहा था मैंने, अब नहीं अलग कर, और तो सबने बढ़िया कर रखा है। मैंने तो बस थोड़े से चने खाए थे चाय के साथ। चलो खैर, कभी कभार थोड़ा सा भूखा भी रहना चाह, डाइजेशन सही हो जा, ज़्यादा छक्का हुआ ठीक नहीं है, ज़्यादा छक्के फिर काम भी नहीं होता, होता नहीं काम, तो थोड़ा सा कम ही खाना खाना चाह रहा, आपको कुछ मेहनत का काम करना था। अरे तो देखो गाढ़ा गाढ़ा बढ़ रहा, बढ़िया है, कम रह सके पानी मिला लियो। और कल मैंने किसी उसे कहा था कड़ी को, कल कड़ी भी कम रही थी, दही का रहा था बढ़िया गाढ़ा बन रहा, थोड़ा पानी मिला लिया। अच्छा छौंक कैसे लगाओगे, चमचे से? अच्छा ये चमचा गर्म हो लग रहा है, तुमने ध्यान नहीं करा, देखो कैसे लगेगा छौंक। रायते में नमक डाल दिया, मिर्च पाउडर डाल दिया, पिसा हुआ पुदीना, तो खटास भी कम हो जाएगा दही, ठंडा पानी गिर के। आज सुबह की जमाई हुई है तो कट्टी तो होने की नहीं, एक घंटे में दही जमगी, आज इतनी गर्मी है। और ये रायता थोड़ा सा गाढ़ा है अभी, इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, इसका एक तो थोड़ा पतला सा हो जाएगा और पर्याप्त भी हो जाएगा, पता नहीं स्वाद बैठ गया, ज़्यादा ज़्यादा खाने लगे तो कहीं ख़त्म ना हो जाए जल्दी। पर्याप्त तो अब भी है, क्योंकि जब नाश्ता कर ले तो थोड़ा थोड़ा ही खावे इस टाइम। डाल दो थोड़ा सा पानी, फिर भी ठंडा सा पानी, बस लगा दो छौंक। इधर चमचे में तैयार किया जा रहा छौंक, सरसों का बढ़िया लग रहा है, सरसों नहीं आता नहीं, मैं भी लेगा जम्मा यहाँ से अपने लिए, सरसों मेथी हजार में कितनी मिलती, थोड़ी बहुत चीज थोड़ी बहुत ले लगे छौंक लगाने के लिए। लग गया छौंक बढ़िया खुशबू आई, ये जो धुआं सा निकल रहा, रोटी भी सिक गई फटाफट। थाली लाते हैं पिताजी की बात,
लो। उसी देखो रायते से रोटी आ गई, खाना खा लो। आओ खाना खाओ।